हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजी लेप्टेट पाठशाला। मैं जेपी से के आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस चैनल में सुबह के 8 बजे। और हम लोग आज करेंगे एक वोकैब टेस्ट, ओके, जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे। आप लोग पूरा अटेम्प्ट कीजिए उसको, और अपना जो स्कोर कार्ड है उसको नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन करिएगा, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि आपका एसएससी सीजीएल के जो डेट्स है वो अनाउंस हो चुके हैं। 4 जून से आपका पेपर स्टार्ट होगा, तो प्लीज़ अभी बहुत आपके पास बहुत टाइम है। तो कोई बंदा अगर फ्रेश स्टार्ट कर रहा है, एकदम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा है, उसके पास सफिशियंट टाइम है कि वो अच्छा परफॉर्म कर पाए, ठीक है। तो चलिए इस टेस्ट को करते हैं हम लोग। और टेस्ट को स्टार्ट करने से मैं ये पहले ये बोलूँगा कि ये आपके 2017 टीयर 2 के क्वेश्चन हैं सारे, तो आप ट्राई करो, आप देखो अपने आप को कि आप कौन से लेवल पे आप स्टैंड करते हो। चलिए, जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आपको सबका आपको सिनोनिम्स फाइंड आउट करना है। द फर्स्ट वर्ड इज डिसेमिनेट। डिसेमिनेट पहला वर्ड है, ये आपके स्पेलिंग एरर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे कि डबल एस लिखा हुआ है, जहाँ पे डबल एस डबल एम डबल एल लगा हो उसको स्पेलिंग एरर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए। डिसेमिनेट ऑप्शन क्या लिखा है, कलेक्ट, कॉन्सिल, हाइड, डिस्पर्स। कॉन्सिल एंड हाइड सेम मीनिंग करता है, ओके, कि इस चीज़ को छुपाना। नेक्स्ट कलेक्ट, ओके, एंड डिस्पर्स। डिसेमिनेट का मतलब होता है कि टू डिस्पर्स, फाइन। डिसेमिनेट हम लोग बोलते हैं कभी कभार कि डिस्पर्स। डिस्पर्स मतलब क्या होता है कि ये चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, फैला देना ऐसे, ठीक है, बांट देना, उसको बोलेंगे हम लोग डिसेमिनेट या फिर डिस्पर्स, ओके। जैसे हम लोग बोलते हैं कि टू डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन, फाइन, इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है गाइज, इसको मार्क कर लीजिए। यस, नेक्स्ट काफ़ी बहुत ही कॉमन वर्ड है लेकिन बार बार आते रहता है, जैसे कि इनंडेशन। इनंडेशन इज़ ए वेरी गुड वर्ड, आपका ये इनंडेट वर्ड से आता है। ये इनंडेट आपका एक वर्ब है, ओके, वहाँ से आपका नाउन आता है ये इनंडेशन। उसका मीनिंग पूछा है, फ्लड, टाइड, ड्रॉट, वेव। आंसर इज व्हाट, फ्लड इज़ द आंसर, फ्लड, ठीक है, बाढ़ आ जाना। मतलब क्या है कि जो वाटर का लेवल है वो बढ़ जाना और उसके बाद फ्लड हो जाता है ना। सो इनंडेशन। और एक अच्छा वर्ड है इसका, डेल्यूज, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, अच्छा वर्ड है काफ़ी, डेल्यूज, ठीक है, इसको भी मार्क कर लीजिए आप लोग। तो डिसेमिनेट का मतलब होता है डिस्पर्स या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन, फाइन। नेक्स्ट इनंडेशन का मतलब होता है आपका फ्लड, और इसका एक अच्छा सिनोनिम भी है आपका डेल्यूज, जिसमें आपका वाटर का लेवल आपका रेज होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। चलिए, नेक्स्ट इज स्विंडल। ए ऑप्शन इज इंसर्ट, नेक्स्ट बी इज ड्यूप, सी इज एम्पल, डी इज ऑनेस्टी, ठीक है। स्विंडल का मतलब होता है कि ठगना, ओके, ठगना। तो इंसर्ट तो नहीं होगा, ओके, ड्यूप इज द राइट आंसर। ड्यूप में भी आप क्या करते हो, आप लोगों को आप ठगते हो ऐसा, कोई ट्रिकरी यूज करके, फाइन, ओके। सो ड्यूप इज द राइट आंसर, ओके। और मतलब क्या होता है कि किसी को मतलब डिसीव करना ऐसे, ओके, किसी को डिसीव करना, उसी को हम लोग बोलते हैं ड्यूप या फिर स्विंडल करना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है टेम्पेस्टुअस, ओके, टेम्पेस्टुअस हमारे पास वर्ड है। इसका मीनिंग क्या है, स्टॉर्मी, टॉयल, काम, एग्जामाइन। टेम्पेस्टुअस का मतलब क्या है आपका, मतलब फुल ऑफ स्ट्रांग इमोशंस, फुल ऑफ स्ट्रांग इमोशंस, फाइन, जिसमें कभी कभार लोग वायलेंट भी हो जाते हैं, उनका जो बिहेवियर होता है वो काफ़ी वायलेंट सा होता है, उसको बोलेंगे हम लोग फुल ऑफ स्ट्रांग इमोशंस। जैसे कि मतलब फुल ऑफ, मतलब जैसे कि हम लोग कभी कभार कहते हैं कि टेम्पेस्टुअस मैरिज, टेम्पेस्टुअस मैरिज बोलेंगे, तो उसमें क्या होगा, जो हस्बैंड एंड वाइफ है उनके बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़ा होते रहता है, तो वो एक कैसा सिचुएशन होगा, काफ़ी वायलेंट सा होगा, ठीक है, काफ़ी क्या होगा, स्टॉर्मी होगा। सो द आंसर इज व्हाट, स्टॉर्मी इज़ द राइट आंसर, ना कि टॉयल। टॉयल मतलब क्या होता है, मेहनत होता है, हार्डवर्क करना, उसको कहते हैं टॉयल करना, ठीक है। नेक्स्ट काम पूरा इसका ऑपोजिट हो जाएगा, काम इसका ऑपोजिट हो जाएगा, तो दिस विल नॉट बी द आंसर, ना कि एग्जामाइन, ओके। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस को करेंगे। यस, नेक्स्ट हमारे पास है गज़ल। ऑप्शंस हमारे पास है सिप, इम्बाइब, स्टाव, रिलीज, ओके, सिप करना, ओके, इम्बाइब करना, स्टाव करना, रिलीज करना। गज़ल मतलब क्या होता है कि जब आप बहुत भूखे रहते हो, जब आप खाना खाते हो तो आप गज़ल करते हो आप, या फिर जब आप बहुत प्यासे रहते हो, जब आपको पानी मिलता है, पानी कैसे पीते हो, बहुत एक साथ आप बहुत पानी पीते हो ना, तो उसको कहते हैं गज़ल करना। ये सिप, सिप इसका सिनोनिम हो जाएगा, लेकिन सिप मतलब बहुत ही एक्सट्रीम फॉर्म में पानी को सिप करना, मतलब ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी पी लेना, एक साथ एकदम पानी इधर उधर जो निकल के गिर जाता है, उसे कहते हैं हम लोग गज़ल करना। दैट मीन्स द सिनोनिम हियर इज सिप, बाकी वर्ड्स नहीं होंगे, ठीक है। इम्बाइब मतलब क्या होता है, अपने अंदर मतलब उतार लेना ऐसा, मतलब ठीक है, अंदर अपने अंदर, मतलब जैसे कि इन्फ्यूज़ करना, इन्फ्यूज़ करना अपने अंदर, इम्बाइब करना मतलब इन्फ्यूज़ करना सर्टेन वैल्यूज़ या फिर सर्टेन गुड क्वालिटीज़, उसको बोलेंगे हम लोग इम्बाइब करना। नेक्स्ट इज वॉज स्टार्व, मतलब पता ही है आपको, भूखा, भूख, एकदम भूखा मरना ऐसा,
ठीक है, बहुत भूख जब लगती है उसके बाद खाना नहीं मिलता है, तो अब क्या होता लोगों का, स्टारवेशन होता है, स्टारवेशन, फाइन। तो ये नहीं होगा, ना कि रिलीज, ओके। सो द आंसर इज व्हाट, सिप इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एम्बार्गो। एम्बार्गो क्या होगा, ऑप्शन सर बैरियर, प्रेस्क्राइब, कंफर्ट, जस्टिफाई। एम्बार्गो में क्या होता है कि गवर्नमेंट एक ऑर्डर पास करता है जहाँ पे ट्रेड बैरियर लगाते हैं गवर्नमेंट, ठीक है, ट्रेड को रोकते हैं। उसके लिए जब आप गवर्नमेंट को बिजनेस वगैरह रोकते हैं, उसके लिए जो गवर्नमेंट एक ऑर्डर पास करता है एक ट्रेड बैरियर वो करने के लिए, उसको हम लोग बोल देते हैं एम्बार्गो, एम्बार्गो, ठीक है। सो द आंसर इज बैरियर इज द आंसर, ना कि प्रेस्क्राइब, कंफर्ट, जस्टिफाई। उसमें क्या होता है कि जो बिजनेस होता है ना, ट्रेड, ट्रेड उसको रोक देते हैं, दैट मीन्स व्हाट, बैरियर इज द आंसर, ठीक है, बैरियर इज द आंसर। नेक्स्ट इज इसोटेरिक। इसोटेरिक का मतलब क्या है कि जो बहुत कम लोगों को समझ में आए, फाइन, इट इज़ कन्फाइंड टू ए वेरी फ्यू, मतलब पीपल, ठीक है, फॉर ए वेरी फ्यू नंबर, बहुत कम लोगों को जो समझ में आए उसको हम लोग बोलते हैं इसोटेरिक, इसोटेरिक। तो अगर ऐसा हो गया तो मतलब क्या, बहुत कम लोगों को समझ में आता, मतलब क्या, बहुतों को समझ में नहीं आता है, ओके, दैट मीन्स व्हाट, एब्स्ट्रूज, 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 ओके, जो बहुत मतलब समझ में जो अच्छे से नहीं आता है किसी को भी, ठीक है, बहुत कम लोगों को आता है, दैट मीन्स व्हाट, एब्स्ट्रूज इज द आंसर। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे क्योंकि जर्मन और रेलिवेंट इन दोनों का मीनिंग ही सेम है, जर्मन का मतलब ही रेलिवेंट है या फिर बी फिटिंग है, सुइटेबल, ठीक है, जर्मन, बी फिटिंग, रेलिवेंट, मतलब ऑलमोस्ट सिनोनिम्स की तरह है। तो सबसे हटके यही ऑप्शन है एब्स्ट्रूज, जो बहुत कम लोगों को समझ में आए, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आता, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रूज मैटर या फिर एब्स्ट्रूज। सो इसोटेरिक का मतलब हो जाएगा सी, एब्स्ट्रूज, फाइन, ओके। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, यस, हमारे पास एक और वर्ड है फियंडिश। फियंडिश ऑप्शन है हमारे पास एपरेंट, क्रूअल, सिक्योर, एग्जाम्पलीफाई, ओके। एपरेंट का मतलब क्या होता है, क्लियर, काफी, इट इज वेरी एपरेंट, ठीक है, मतलब होता है क्लियर। नेक्स्ट क्रूअल, क्रूअल, ओके। नेक्स्ट सिक्योर, एग्जाम्पलीफाई। फियंडिश का मतलब होता है कि एक्सट्रीमली इविल और क्रूअल, एक्सट्रीमली इविल और क्रूअल, ओके, एक्सट्रीमली इविल स्लैश क्रूअल, ओके। सो द आंसर इज व्हाट, क्रूअल। अगर इविल भी होता तब भी होता, क्रूर मतलब एकदम क्रूर, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्ड रिबल्ट। रिबल्ट काफी थोड़ा सा अलग वर्ड है जो लास्ट ईयर आपके सीजीएल टीयर टू में पूछा गया था। रिबल्ट, रिबल्ट मतलब क्या होता है, वल्गर, अश्लील, एकदम अश्लील, मतलब ये किस सेंस में होता है कि जो लोग मतलब अश्लील चीज़ों के बारे में बात करते हैं और उसको मजाक मजाक में उड़ा देते हैं, ठीक है, मजाक में वो करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग रिबल्ट बिहेवियर, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। सो द आंसर इज वर्ड डी, वल्गर इज द आंसर, ना कि फोरटेल या फिर बायस, ना कि क्लीन। फोरटेल मतलब क्या होता है, कोई चीज़ होने से पहले अगर आपने पहले ही बता दिया तो उसको बोलेंगे हम लोग फोरटेल, भविष्यवाणी करना, ऐसा कुछ। नेक्स्ट बायस का मतलब पता ही है, जो न्यूट्रल नहीं रहते, जो बायस नहीं रहते हैं, सॉरी, जो न्यूट्रल नहीं होते, किसी का पक्ष लेते हैं उसको बोलते हैं हम लोग बायस्ड। क्लीन तो पता ही है आपको मीनिंग। सो द लास्ट वर्ड दैट वी हैव गॉट इज स्करिलस, ओके। स्करिलस का मीनिंग क्या होता है आपका, स्करिलस, स्करिलस बिहेवियर, जहाँ पे आप बहुत गाली गलौज करते हो या फिर किसी का जो रेपुटेशन है उसको हार्म करने के लिए आप कुछ अनशन बोल देते हो, उसको बोलते हैं हम लोग स्करिलस रिमार्क या फिर स्करिलस स्टेटमेंट, ऐसे बोल सकते हो। दैट मीन्स व्हाट, उसमें आप किसी एक पर्सन को आप अब्यूज़ करते हो, आप गलत तरीके से, आप गलत तरीके से आप किसी को बोलते हो आप, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग स्करिलस रिमार्क, बोल सकते हैं हम लोग, ओके। सो द आंसर इज व्हाट, कोर्स नहीं होगा, ना कि सोफिस्टिकेटेड, ना कि कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का पूरा उल्टा, ओके, स्करिलस। सो द आंसर इज अब्यूजिव, फाइन, अब्यूसिव इज द आंसर, फाइन। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे, काफ़ी शॉर्ट वीडियो था। आपको स्कोर करने के बाद आप लोग अपना स्कोर आप लोग नीचे आपके कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। एक पर्सन है जो मतलब वो हमेशा कमेंट में लिखता है कि उसको समझ में नहीं आता है, रॉबी, रॉबी बगेल नाम है उसका। तो प्लीज़ अगर रॉबी आपको समझ में नहीं आता है तो आप थोड़ा सा और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, आपको वर्ड मीनिंग जो है, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़िए, वरना आपका जो सिलेक्शन है वो आपका, उसको, उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मंडे को हम लोग मिलेंगे आपसे, ओके, चलिए, थैंक यू।